मैं प्रिया आपके साथ। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनाएगी। शनिवार को आए विधानसभा चुनाव के नतीजों में पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। हालांकि रुझानों में दोपहर 12 बजे से पहले ही साफ हो गया था कि कांग्रेस जीत रही है। 12 बजे कर्नाटक कांग्रेस चीफ डीके शिवकुमार घर की बालकनी पर आए, कांग्रेस का झंडा फहराया और कार्यकर्ताओं के सामने हाथ जोड़े। मीडिया के बीच पहुंचे तो भावुक हो उठे। कहा, जेल में सोनिया गांधी मिलने आई थी, उनसे मैंने जीत का वादा किया था। 1 बजे के आसपास भाजपा ने हार मान ली। मुख्यमंत्री बसवराव बोम्मई सामने आए और कहा, नतीजों का एनालिसिस करेंगे, पार्टी लोकसभा चुनावों में दमदार वापसी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम 5:19 पर कांग्रेस को जीत की बधाई दी, समर्थन करने वालों का शुक्रिया किया। दोपहर 2:30 राहुल गांधी दिल्ली में मीडिया के सामने आए, 6 बार मीडिया से नमस्ते कहा और 2 मिनट का वक्त मांगा। फिर बोले, हमने नफरत से लड़ाई नहीं लड़ी, कर्नाटक ने दिखा दिया कि देश को मोहब्बत पसंद है। हमारे जो मुख्य 5 वादे थे वे पहले ही कैबिनेट बैठक में पूरे किए जाएंगे। शाम 7:15 बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा, भाजपा हमें ताना मारती थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, अब यह सच्चाई है कि भाजपा दक्षिण भारत मुक्त हो चुकी है। राज्य की जनता ने फैसला किया और हमें 135 सीटें मिली। 36 साल बाद हमारी बड़ी जीत हुई है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, यह कर्नाटक के स्वाभिमान की जीत है। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, कर्नाटक ने इतिहास रच लिया, देश को रोशनी दिखाई है। तहे दिल से देश के लाखों लाख कार्यकर्ता और कर्नाटक की 6.5 करोड़ जनता का धन्यवाद।